हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रास सर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है अब पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहां पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना चंद्रहास CHANDRAHS, इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं, आज मिस कर जाते हैं, तब भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फायदा पालो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लक्की नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो, तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पर आ रहा है, उम्मीद बैच। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों का प्रोग्रेस अभी चल रहा है, उसको देखते हुए और जिस तरह से आप कसम कसम में अभी भी पड़े हुए हैं कि भैया मेरे को इसी साल अगर कहीं MBBS मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो आपके लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और 2 गुड न्यूज लेके आया हूँ। ये न्यूज आपको शायद राहत देगा। और अगर अभी तक आपने MBBS बनने का सपना नहीं छोड़ा है, 2020 सेशन में ही अपना एडमिशन चाह रहे थे कि इसी सेशन 2020-21 वाले सेशन में ही मेरा एडमिशन हो, तो आपके पास एक और सुनहरा मौका है, इसको मिस ना कीजिएगा, कहीं से ये मौका मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोग हो जाइए तैयार। आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला गुड न्यूज मैं दूंगा कि जैसा आपको पता था कि MBBS की काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के डेट में इंक्रीजमेंट किया गया है, मतलब जो 31 तक था ये डेट, इसको बढ़ा के जो है वो 15th of January तक किया गया है। तो अभी आपको मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। अब इन जनरली अगर देखोगे तो हर एक साल जो होता था वो 3 to 4 days स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए समय मिलता था, बट इसका एक खमियाजा उठाना पड़ता था कि 3 to 4 days के अंदर आप 1 या 2 कॉलेज में स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस का होना जरूरी होता था, तो आप 1-2 दिन के गैप में कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से आप हर जगह स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो अब आपके पास समय जो होगा वो बेसिकली काफ़ी एक लंबा समय दिया जा रहा है, और लंबा समय कम से कम आपको 10-12 दिन का टाइम मिलेगा, और 10-12 दिन में आप चाहेंगे तो मैक्सिमम कॉलेज जितने भी आपको लगेंगे कि मेरे मार्क्स के रेंज में है, वहाँ पे जाके आप फिजिकली अपने अपेयरेंस के साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटैम्प्ट कर सकते हो। दूसरा जो आपके लिए गुड न्यूज आया वो ये है कि अभी तक क्या होता था, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, मॉपअप राउंड का ही रजिस्ट्रेशन वहां पे वैलिड हो जाता था। पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नया पैटर्न लाया गया है कि अगर आप चाहें तो ओपन रजिस्ट्रेशन एक स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी करा सकते हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी डिम्ड वगैरह के लिए मुझे अपना स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, अभी तक आपने ना फर्स्ट राउंड में कराया, ना सेकंड, ना मॉपअप में कराया, तब भी आपको एक मौका मिलेगा, जाके आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका 1 लाख का सिक्योरिटी मनी है, आप वहाँ पर डिपॉजिट कराएं, और डिपॉजिट कराने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करें। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूं कि ये कॉलेज लेवल का एक मॉपअप राउंड है, लेकिन अब जो है इस मॉपअप राउंड को डायरेक्टली जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि नंबर ऑफ सीट्स एग्जैक्टली पता चले और किसी तरह का कोई एडमिशन में धांधली ना हो।
अब इसमें क्या है कि 4 जनवरी से आपको पता है जैसा कि ये स्ट्रे मोपअप राउंड जो है उसका 4 जनवरी से 6 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल दिया गया है, आपको एमसीसी के साइट पे अवेलेबल मिलेगा ये शेड्यूल। और वहाँ पे क्या किया गया आपको बता दूँ कि 7 जनवरी को कॉलेज जो है वो जितने भी उसके पास 7 जनवरी को वैकेंट सीटें रहेंगी वो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, वो कॉलेज की लिस्ट दे दी जाएंगी आपको 7 जनवरी पर एमसीसी के साइट पर। और 7 जनवरी से 15 जनवरी तक मतलब 8 दिन का टाइम आपको मिलेगा, इस बार डबल टाइम मिलेगा, इस बार 3 से 6 से 7 8 दिन का टाइम मिलने वाला है। पहले जहां 3-4 दिन मैक्सिमम मिलता था वहां पे 8 दिन मिलेगा, और इस टाइम में आप जाके 3 या 4-5 कॉलेज जितने भी चाहेंगे कि उस रेंज में जो आपके मार्क्स के रेंज में बन रहे होंगे उस रेंज में जाके आप आराम से वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा अपना एडमिशन करवा सकते हो अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे जो भी सीट्स अवेलेबल होगा उसका 10 टाइम्स जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगी, और फिर 10 टाइम्स उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर उसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन एमबीबीएस के लिए होगा। तो ये पहली बार है, ध्यान रखिएगा पहली बार ऐसा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका है जिसको स्ट्रे मोपअप राउंड में बोलता हूँ, स्ट्रे मोपअप राउंड में आपको जो है वो फर्स्ट टाइम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तब भी किसी तरह से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश माइंड से जाइए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाइए और फ्रेश कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए।